जब हम इंडिया से बाहर मूव होने का सोचते हैं तो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न रहता है कि वहाँ पे खर्चे कितने होंगे और सैलरीज कितनी होंगी, हमारा खर्चा पूरा हो भी पाएगा कि नहीं। तो हमने एक्सपेंसेस पे पहले ही एक वीडियो बना दी है, वो आप ज़रूर चेक कर लेना। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पे सैलरीज कितनी है। अच्छा, एग्जैक्ट बता पाना तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप कौन सी लोकेशन में जॉब ढूंढ रहे हो, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, कंपनी और वगैरह वगैरह। लेकिन आपको इस वीडियो से आइडिया ज़रूर मिल जाएगा कि आप किस रेंज में अपनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं डेनमार्क की एवरेज सैलरी कितनी है। एवरेज ग्रॉस सैलरी है 45,481 डेनिश क्राउन्स पर मंथ और इससे आपको इन हैंड मिलेगा लगभग 28,000। बहुत ज़्यादा टैक्स है सच में। जैसे इंडिया में बेंगलोर और मुंबई में सैलरी ज़्यादा है, वैसे ही यहाँ पे कोपेनहेगन रीजन में सैलरी ज़्यादा है और ये जो डिफरेंस है वो है लगभग 10 से 15%। लेकिन यहाँ पे एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हैं तो आपकी जो सेविंग है उस पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और एक और बात, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो भी कोपेनहेगन में ज़्यादा हैं, तो आपको इंडियन कम्युनिटी भी यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी। जो 15,000 इंडियंस हैं उसमें से लगभग 6-7,000 तो इसी रीजन में रहते हैं। अब बात करते हैं मिनिमम वेज की। वैसे डेनमार्क में लीगली कोई मिनिमम वेज नहीं डिफाइंड, लेकिन कलेक्टिव एग्रीमेंट्स के हिसाब से जो कि कंपनी और यूनियन के बीच में है उसके हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 110 क्रोन पर आवर। लेकिन हम एक्सपैट्स के लिए ये ज़रूर रूल है कि जो कंपनीज हैं दे हैव टू पे अ मिनिमम ऑफ 31,250 डेनिश क्रोनर्स पर मंथ ग्रॉस और जिससे आपको इन हैंड मिलेगा लगभग 21,000। पिछले साल तक ये जो मिनिमम सैलरी है ना वो थी 38,750, लेकिन यहाँ पे लेबर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है तो इंटरनेशनल टैलेंट को हायर करना आसान हो जाए इसके लिए ये थोड़ी कम कर दी। डेनिश लोग अपनी सैलरीज नहीं डिस्कस करते तो आपने ये ऑकवर्ड कॉन्वर्जेशन अवॉइड करनी है। तो अब आप सैलरीज देखोगे कहाँ, यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे कि जॉब इंडेक्स हो गया, ग्लासडोर हो गया, मैं मेंशन भी कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ चेक कर लेते। अब मैं आपको प्रोफेशन के हिसाब से बताऊंगी कि यहाँ पे हाईली पेड जॉब्स कौन सी हैं। तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं डॉक्टर्स, जिनकी सैलरी है लगभग 1,25,000 डेनिश क्रोन्स और ये इनकी ग्रॉस है, इनको इन हैंड मिलेगी लगभग 71,000 जो कि इंडिया के होते हैं 7-7.5 लाख। लेकिन अगर आपको मेडिकल लाइन में जाना है तो आपको डेनिश लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी और एक एग्ज़ाम भी क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस मिलेगा यहाँ पे। दूसरे नंबर पे आते हैं जजेस, जिनकी सैलरी है 1,00,000 डेनिश क्राउन्स और इनको इन हैंड मिलते हैं लगभग 62,000 डेनिश क्राउन्स। उसके बाद आते हैं पायलट्स, डेंटिस्ट, लॉयर, इनकी सैलरी लगभग 90,000 डेनिश क्राउन्स है और इनको इन हैंड मिलती है 58,000 डेनिश क्राउन्स। ये तो हो गई हाईएस्ट पेइंग जॉब्स के बारे में। अब बात करते हैं कुछ कॉमन प्रोफेशंस के बारे में, जैसे कि कॉलेज प्रोफेसर्स, इनकी ग्रॉस सैलरी है 65,000 डेनिश क्राउन्स और इन हैंड 40,000। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव 60,000 ग्रॉस, 38,000 इन हैंड। आईटी प्रोफेशनल्स 55,000 ग्रॉस एंड 35,000 इन हैंड। इंजीनियर्स यहाँ पे कमाते हैं 55,000 डेनिश क्राउन्स, अकाउंटेंट 60,000 डेनिश क्राउन्स। अब बात करते हैं कुछ ब्लू कॉलर जॉब्स की, जैसे कि वेटर्स, वो कमाते हैं 20,000 डेनिश क्राउन्स, वेयरहाउस एम्प्लॉयज 22,000 डेनिश क्राउन्स, अगर आप क्लीनिंग की जॉब करते हो 22,000 डेनिश क्राउन्स, जो जर्नल लेबर होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे वो कमाते हैं 25,000 डेनिश क्राउन्स। इसके बाद इलेक्ट्रीशियंस और ऑफिस असिस्टेंट कमाते हैं लगभग 28,000 डेनिश क्राउन्स। प्लम्बर, कारपेंटर, मैकेनिक कमाते हैं लगभग 30,000 डेनिश क्राउन्स और जो फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़ हैं जैसे कि जो असेंबलिंग ऑपरेटर्स, लैब असिस्टेंट्स हैं वो कमाते हैं 28,000 डेनिश क्राउन्स और जो ट्रक ड्राइवर हैं वो कमाते हैं 32,000 डेनिश क्राउन्स। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आप छोटी मोटी जॉब भी करते हो ना तो आप ठीक ठाक कमा सकते हो और अच्छी खासी लाइफ जी सकते हो डेनमार्क में। ये तो हो गई एवरेज सैलरीज। अब मैं आपको बताती हूँ डेनमार्क की कौन सी कंपनीज हाईएस्ट पेइंग है। सबसे पहले है नोवो नॉर्डिस्क, ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और इसमें 45,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं। इसके बाद है मेयर्स्क, जो कि एक शिपिंग कंपनी है और इसमें 80,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं। उसके बाद आती है लेगो, जो आपने बच्चों के खिलौने देखे होंगे ना, ऐसे ब्रिक्स से कुछ कुछ बनाते हैं, वो वाली कंपनी, इसमें 20,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं। और भी कुछ बड़ी डेनिश कंपनीज हैं जिनके बारे में शायद आपने सुना होगा। पहली है कार्ल्सबर्ग, कार्ल्सबर्ग आपकी फेवरेट भी है, और दूसरी है वेस्टास, ये एक विंड मिल कंपनी है।
सैलरी के अलावा आपको और बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे इंडिया में भी है ही। पहला है पेंशन, जो आपकी सैलरी का 12-15% हो सकता है। ये आपकी ग्रॉस में इंक्लूडेड भी हो सकता है और ऊपर से भी मिल सकता है, तो ये चीज़ आपने अपनी सैलरी निगोसिएशन में क्लियर कर लेनी है। इसके अलावा 5 हफ्ते की छुट्टियाँ मिलती हैं, कोई सैंडविच पॉलिसी नहीं है, आपका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता। ये वाली जो छुट्टियाँ हैं एक्सक्लूडिंग सैटरडेज और संडेज है। तीसरा है इंश्योरेंस, कंपनीज आपका इंश्योरेंस करवाती हैं इन केस जो आपका वर्किंग आ रहा है उसमें एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कुछ हो जाता है, तो इसमें आपको फुल सैलरी कवरेज मिलता है। आई होप कि आपको आइडिया मिल गया होगा कि आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो डेनमार्क में। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन के बारे में पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको ये जानना है कि यहाँ पे एक्सपेंसेस क्या हैं तो आप ये वाली वीडियो देखो।